सरकार की पहले गलती, हम लोग का एग्जाम नजदीक भी ले सकता था। हम लोग अब देखिए बेरोजगारी के आलम में ये सब हो रहा है। हम लोग 19 से वेट कर रहे थे और अभी जाके एग्जाम देने आए, अभी भी इसका बहुत सारा स्टेप बचा हुआ। 2019 का एग्जाम अगर फॉर्म निकला था तो उसका करंट भी 2019 का ही पूछा गया, ये नहीं होना चाहिए था। 5:30 बजे एंट्री टाइम है 2 घंटे का एग्जाम के लिए, ये क्या है? 419 पोस्ट के लिए 4.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी। हमारे देश की बेरोजगारी है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि 92 डेट ऑफ बर्थ था उनका, जो कि हमारे पिताजी का शादी का डेट है, सोच लीजिए, वो एग्ज़ाम देने आए थे। इतना बेरोजगारी, उससे आंकड़ा लगा सकते हैं आप लोग कितना बेरोजगारी है हमारे देश में। 5 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है, अभी टाइपिंग बची हुई है, मेडिकल बची हुई है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब ये प्रोसेस जो है ना इलेक्शन से ज़्यादा टाइम ले लेगा। रेलवे का भी 5 वर्ष लगा दिया था, अभी रेलवे का कोई फार्म नहीं है, 19 का फार्म है, अभी उसका वेटिंग लिस्ट वाला उनके नहीं कराया है। आने में देरी नहीं ना होगा, जैसे परीक्षा लिया आने में 4 साल लग गया तो रिजल्ट आने में 4 साल नहीं लगे। ये तो केंद्र सरकार की अथी है ना, एग्जाम लेने में 4 साल लगाए हैं, अब रिजल्ट देने में कितने दिन लगाते हैं। सिक्योर जॉब क्योंकि कोरोना जो आई ना उससे इतने लोग को पता चला कि सिक्योर क्या होता है, और हमारे बिहार में एक भी कोई फैक्ट्री बताइए जहाँ सिक्योर जॉब करते हो कोई। आज देश भर में CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा ली जा रही है और अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के बड़ा तालाब के पास, जहां जो CISF के अभ्यर्थी है वो विभिन्न जिलों से और विभिन्न राज्यों से राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं परीक्षा देने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा तालाब का नज़ारा है, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं जिनका पहले पाली में परीक्षा हो गया है वो बाहर निकले हैं, और दूसरे पाली में जिनका परीक्षा होना है वो अपने जो कह सकते हैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। 2 बजे से उनकी परीक्षा होनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा तालाब का खूबसूरत नज़ारा को देखते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि उनका परीक्षा बेहतर जा सके, अच्छा जा सके। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि अभी परीक्षा दे के बाहर निकले हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आया था और कितना जवाब दिया। भैया कहाँ से हैं? हम आरा से हैं, मेरा एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है। अभी किसने एग्ज़ाम दिया है? क्या कुछ पूछा गया है, कितना आपने सवालों का आंसर दिया? जी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो मैंने तो 99 मारा है। कोई खास सवाल नहीं, बस यही था कि 2019 का एग्ज़ाम अगर फॉर्म निकला था तो उसका करंट भी 2019 का ही पूछा गया, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2019 मतलब 5 साल पहले का करंट अगर आज आप पूछते हैं तो बच्चा के लिए थोड़ा दिक्कत है। क्या क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन अच्छा ही था, सचिन के जीवन का कथा का वो बुक के बारे में पूछ दिया था, और महेंद्र सिंह धोनी कब कर्नल बने थे उसके बारे में पूछ दिया था, और भी है, मैथ वैथ इजी था थोड़ा, बस जीके थोड़ा बहुत पुराना पूछा था, यही सब। कब का ये एग्ज़ाम था, कब फॉर्म कब भरा? ये 2019 का फॉर्म है और 2023 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। 4 साल का गैप क्यों? पता नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है ना, केंद्र सरकार के हाथ में। बेरोजगारी के आलम में 4 साल, ये सब देखिए बेरोजगारी के आलम में ये सब हो रहा है। हम लोग 19 से वेट कर रहे थे और अभी जाके एग्ज़ाम देने आए, अभी भी इसका बहुत सारा स्टेप बचा हुआ है, जैसे मेडिकल, फिर टाइपिंग है, उसके बाद क्या क्या होगा। 419 पोस्ट के लिए पूरे बिहार के कोने कोने से हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए अभी झारखंड आए हुए हैं, और ये सरकार की पहले गलती। हम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक भी ले सकता था, हम लोग का एग्ज़ाम जो है नज़दीक भी लिया जा सकता था, और जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर में फिजिकल दिए थे, बेगूसराय से रहने वाले हैं तो बेगूसराय में भी सेंटर बनाया गया है तो वहाँ भी हम एग्ज़ाम दे सकते थे, नज़दीक मुजफ्फरपुर था वहाँ भी एग्ज़ाम दे सकते थे, पटना में दे सकते थे, लेकिन पूरा बिहार छोड़ के हम पूरे मतलब कल ही गाड़ी चढ़े, रात को स्टेशन अगुड़े और अभी एग्ज़ाम देने आए हैं। और ये एक दो बच्चे नहीं है, पूरे लगता है झारखंड में मतलब जितने भी आ रहे थे गाड़ी पे सारे बच्चे एग्ज़ाम देने ही वाले आ रहे थे। यहाँ पे देख लीजिए कितने बच्चे यहाँ पे हैं। 5:30 बजे एंट्री टाइम है 2 घंटे का एग्ज़ाम के लिए, ये क्या है? और पूरा टाइम लगभग 4 घंटा हम लोग अंदर बैठ के बिताए हैं, पता नहीं किस लिए, उसका कोई वो नहीं है। रात को उतरे थे लगभग 9:30 बजे। चेकिंग क्या किया? चेकिंग तो कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था, लेकिन 4 घंटे अंदर बैठना पड़ा, बस बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग, हम लोग को अंदर ले जाके बैठा दिए, जो मार्कशीट वगैरह जो भी होता है, नंबर, रोल नंबर, ये सब क्रमांक वगैरह सब लिखवा के, और उसके बाद वो लोग अपना इधर उधर कर रहे थे, ठीक है बैठे रहिए, आप लोग को 8:30 बजे क्वेश्चन दिया जाएगा। 5:30 बजे एंट्री होती है, 8:30 बजे क्वेश्चन मिलती है,
इतना देर हम लोग क्या कर रहे थे हमको खुद पता नहीं। कितना पोस्ट है? पोस्ट 400 के आसपास है। 419 कितने अभ्यर्थी होंगे पूरे देश भर से? 4 लाख के आसपास। 4 लाख के आसपास 419 पोस्ट के लिए 4.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी। हमारे देश की बेरोजगारी है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। 5 साल में इलेक्शन 5 महीने के अंदर में कहीं भी खत्म हो जाती है और हमारा अभी एग्जाम 5 सालों में खत्म नहीं हो रही है, इसका पता नहीं क्या है। अभी हम लोग 5 वर्ष लग गया एक नियुक्ति पूर्ण करने में, अभी भी जो है नियुक्ति पूर्ण नहीं हुई है, परीक्षा ली जा रही है। इनका कहना है कि 2019 में फॉर्म भरा गया था और 4 साल बाद यानी कि 2023 में परीक्षा ली जा रही रिटर्न, और इससे पहले जो है फिजिकल टेस्ट लिया जा चुका है। कुछ और भी अभ्यर्थियों से और बचा हुआ है भी है, बहुत सारी प्रक्रिया अभी बचा हुआ है, अभी तो टाइपिंग बचा हुआ है, मेडिकल बचा हुआ है। सालों में अभी सिर्फ एग्जाम हुआ है, टाइपिंग है, उसके बाद मेडिकल होगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अभी देखिए, अभी 5 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है, अभी टाइपिंग बची हुई है, मेडिकल बची हुई है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मतलब ये प्रोसेस जो है ना इलेक्शन से ज़्यादा टाइम ले लेगा। 5 साल राज रहता है ना किसी भी सरकार का, और ये हमारा जॉब लगने में 6 साल लग जाएगा कम से कम। पंचवर्षीय योजना हो गई है, एक योजना होता है 5 वर्ष का, वही जो हर बहाली का यही नियम है। नियम नहीं है कि CISF का 5 वर्ष, रेलवे का भी 5 वर्ष लगा दिया था। अभी रेलवे का कोई फार्म नहीं है, 19 का फार्म है, अभी उसका वेटिंग लिस्ट वाला उनके नहीं कराया है। और बेरोजगारी की स्थिति पर पूछ रहे हैं आप लोग, बेरोजगारी की स्थिति क्या हम बताएं। वहाँ हम देखे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि 92 डेट ऑफ बर्थ था उनका, जो कि हमारे पिताजी का शादी का डेट है, सोच लीजिए, वो एग्ज़ाम देने आए थे। इतना बेरोजगारी, उससे आंकड़ा लगा सकते हैं आप लोग कितना बेरोजगारी है हमारे देश में। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यही जी, हो गया परीक्षा, एग्जाम हो गया। क्वेश्चन ठीक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन ठीक था, बट वही पास हो जाएंगे, पास हो जाए। अब एग्जाम दे कर आए हैं, ये तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। 88 अथी किए हैं और निगेटिव नहीं था, इसीलिए कारण से 88 कर दिया। रिजल्ट आने में देरी नहीं ना होगा, जैसे परीक्षा लिया ना, में 4 साल लग गया तो रिजल्ट आने में 4 साल नहीं लगे। ये तो केंद्र सरकार की अथी है ना, एग्जाम लेने में 4 साल लगाए हैं, अब रिजल्ट देने में कितने दिन लगाते हैं देखिए कब तक करवाएंगे। एक मतलब अचंभा नहीं होता है कि 419 पोस्ट के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी? अचंभा कि बहुत सब 4 लाख से ऊपर ही अभ्यर्थी होगा। जहां बेरोजगारी होती है वहां अचंभा नहीं देखा जाता, वहां बस अवसर देखा जाता है। अब 5 साल बाद मिलेगा, 6 साल बाद, हम लोग को तो झेलना है। हम लोग जैसे भी फॉर्म भरे थे जो एग्जाम भी होगा, हम लोग तो भूल गए थे, लेकिन एक बैग मैसेज आया तब जाके मालूम चला जो एग्जाम भी है। अच्छा, सरकारी जॉब ही चाहिए, प्राइवेट जॉब से नहीं होगा? नहीं नहीं, ये जो यहाँ जो चल रहा है ना स्थिति, सरकारी जॉब होगा ना तभी समाज में आपका इज्जत होगा। ये लोगों का मेंटेलिटी जो है ना, वो सरकारी जॉब पूरे पूरे बिहार और यूपी का बता रहे हैं, इसका मेंटेलिटी यही है। सरकारी जॉब है तो अच्छी, घर में शादी होगी। प्राइवेट जॉब में तो कुछ नहीं है, जो भी बचाव कुछ जो झारखंड में आ गया, सबसे बड़ी बात यही, झारखंड में आ गया, बिहार में रहा क्या, सिर्फ जमीन। शादी करने के लिए सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट से नहीं होगा? और काम हम प्राइवेट जॉब का पूछ कहाँ है, आप 1.5 लाख कमाइए प्राइवेट जॉब में नहीं। एक और बात आती है, मैं बोल रहा हूँ, एक और बात ये आती है, सिक्योर जॉब, क्योंकि कोरोना जो आई ना उससे इतने लोग को पता चला कि सिक्योर क्या होता है। और हमारे बिहार में एक भी कोई फैक्ट्री बताइए जहाँ सिक्योर जॉब करते हो, कोई भी प्राइवेट, क्यों करें प्राइवेट हम? इसीलिए सरकारी के पीछे भाग रहे हैं, 6 साल ले या 10 साल ले, मजबूरी है, भागना ही पड़ेगा। एक भी फैक्ट्री नहीं हमारे बिहार में, बेरोजगारी का वही बुरा हाल है, फैक्ट्री का कारण। अगर सिक्योर फैक्ट्री रहता तो आज मैं भी वहाँ रहता। यहाँ 5 साल क्यों माता मारते हैं, 5 साल में लगभग 10 लाख कमा के आराम से ऐश कर रहे होते। आप क्या कह रहे थे, मतलब सरकारी जॉब नहीं होगा तो लड़की शादी नहीं करेगी? हम क्यों भाई ऐसा शब्द बोलेंगे, दूसरा कोई से बोलिए। ना ना, आज की मांग तो है कि जिसके पास अगर जो पैसे कमाने का सोर्स होता है उसका शादी पहले जल्दी होता है, अच्छा से होता है, तो इसलिए शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर जो जॉब हो जाता है तो तुरंत लड़की वाले आते हैं कि हाँ भाई शादी कर लो, इस अच्छे अच्छे ये सब वो सब, लेकिन जब हम लोग अभी तक पढ़ाई मतलब स्टडी लर्निंग में है तो कोई नहीं पूछता है। ये तो सही बात है कि जल्दी आ जाए रिजल्ट तो उम्मीद ही नहीं है जल्दी आने का, क्योंकि 5 साल से जो जिसका एग्ज़ाम होगा 5 साल बाद, तो रिजल्ट क्या उम्मीद आप रखिएगा कि पहले आएगा। और सबसे ख़राब बात तो ये है कि देखिए एग्ज़ाम देने के लिए इतना दूर बुलाया गया, जब हम लोग के मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर बनाया गया है एग्ज़ाम्स का, तो हम लोग का वहीं पर एग्ज़ाम ले लिया जाता तो अच्छा रहता ना।
तो हम लोग मतलब दो दिन जर्नी करके यहाँ पे आए हैं, फिर दो दिन जाने में लगेगा तो टाइम बहुत ज़्यादा मरता है स्टूडेंट का, खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सब सरकार ध्यान नहीं देती है। जो डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है तो डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए ना। और जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से CISF यूनिटी अधिकारी को पता चले तो अगले बार से वो सुधार करके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम बच्चे का ले तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे लेने का क्या उम्मीद है कि बच्चे दूर से आते हैं सारे। आपका परीक्षा हो गया, क्यों होना है? अभी एग्ज़ाम होने वाला है। 419 पोस्ट के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी, कहीं होता है कहीं? यही तो है, यहाँ का पूरा भारत का यही हाल है, बेरोजगारी है ना। 5 साल 6 साल तक विद्यार्थी इसी तरह लगा रहता है, चाहे 200 पोस्ट निकले। अभी तो हाल फिलहाल में बिहार में दरोगा का 46 पोस्ट के लिए कितना 4.5 लाख फॉर्म गिर गया है, सिर्फ मात्र 46 पोस्ट था समझे। ऊपर से अभी जान रहे हैं आई फ्लू चला हुआ है, वहाँ से आने के बाद इतना दिक्कत, पूरा ट्रेन में मतलब समझे तो बच बचा के किसी तरह अभी रह रहे हैं। लेकिन जहाँ भी जाते हैं कहीं दुकान उकान में, घर में कोई कुछ बोलता है क्या कि सरकारी जॉब ही चाहिए, प्राइवेट क्यों नहीं? सरकारी सिर्फ घर वाले का प्रेशर नहीं है, आप समाज का प्रेशर है कि सरकारी होना ज़रूरी है, समझे ना। नहीं तो अभी देख लीजिए पूरा लड़का, कम से कम यहाँ पर सब लड़का 26, 27, 28 से प्लस है, अभी एक भी लड़का का शादी नहीं हुआ होगा। ये फिक्स है, ये बिहार का नहीं पूरा भारत का बता रहे हैं आपको कि जब तक लड़का सरकारी जॉब नहीं होगा तब तक शादी का चर्चा जल्दी होता नहीं है, समझे ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा भी नहीं हुआ है। इनका बाल झड़ने वाला है, फिर भी शादी नहीं हुआ है। तब जॉब नहीं हुआ, शादी आप नहीं कीजिएगा? देखिए अब लास्टली तो शादी करना ही पड़ता है सबको, लेकिन वही है कि एज हो जाता है तो 30-32 साल के बाद, हाँ तब कोई स्कोप अपना ढूंढ करके। ठीक, चलिए, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। आपका परीक्षा हो गया कि बाकी है? नहीं अभी नहीं। क्या उम्र है? 28। तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, प्राइवेट क्यों नहीं? देखिए गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, मतलब आप प्राइवेट जॉब में है कि आप कभी भी उस क्षेत्र से बाहर निकाले जा सकते हैं। घर में कोई कुछ बोलता है इसको लेकर, कोई प्रेशर है क्या कि प्राइवेट जॉब के नहीं करना है, सरकारी जॉब ही करना है? लेकिन वही है, प्राइवेट जॉब में मतलब आपको उस तरह का मौका नहीं रहेगा, सरकारी में आप स्टेबल हैं, एक जगह आप काम कर सकते हैं, वही सुविधा है। बिहार से आप भी? कौन सा जिला? जमुई जिला। तो बेरोजगारी का आलम है और इसको आप भी समझ सकते हैं कि देश भर में क्या स्थिति है। जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं झारखंड के साथ साथ जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोगों का परीक्षा अभी हो गया है, कुछ लोगों का परीक्षा होना बाकी है और एक सप्ताह बाद फिर से परीक्षा कुछ लोगों का होगा। लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि 419 पोस्ट के लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ जो पूरे देश भर में है परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। और एक और है कि लोगों को स्टेबल जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होता है, ये भी लोगों के जहन में है और लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। लेकिन सरकार को ज़रूरत है कि जॉब प्रोवाइड करे, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। इस बायोस्कोप लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। Complete Solution Institute for Bright Future IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, Olympiads, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute, नियर DPS स्कूल, बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप डी बाईपास रोड, रांची।